ओम शांति। आज मैं एक विशेष बात जो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं उसके विषय में बता रही हूँ, क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है बहुत गुही है, बहुत रहस्य भरा हुआ है और इसमें एक एक बात को अच्छी तरह से समझना वो भी थोड़ा बहुत सहज नहीं होता है। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे विकर्म विनाश कर दूंगा। याद से विकर्म विनाश होते हैं, ज्वालामुखी योग से विकर्म भस्म होते हैं। तो कौन से विकर्म भस्म होते हैं? एक तरफ तो बाबा कहते हैं याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं जो विकर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझसे यथार्थ रीति समझ करके और याद करना या ज्ञान को समझ करके चलना ये बहुत बड़ी बात होती है और इसमें ही नंबरवार होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम बाबा से बहुत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक गीता पाठशाला की माता जी थी, बीमार पड़ी और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी। जब उनसे मिलने गए तो उनका एक ही सवाल था, मैं 25 सालों से बाबा को याद करती हूँ, मैंने कितना बाबा को याद किया, कितना सेवा की, बाबा ने क्या किया? क्योंकि वो बीमार थी तो पहले एक बार उनको ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो गिर गए, वो ठीक हुआ तो चलते हुए फिर बाथरूम में गिर गए। मतलब ये हुआ कि वो अब महीनों हो गए वो सफ़र कर रहे थे। तो उनका सवाल उठा, बाबा क्या करता है, मेरे साथ उसने क्या किया? तो जब ये सवाल उठते हैं तो चिंतन चलना शुरू होता है कि बाबा कहते हैं कि हमारे विकर्म विनाश होते हैं योग से, तो कैसे होते हैं? अभी 2 वर्ष पहले मैं बीमार पड़ी, एक भाई ने हालचाल पूछे तो मैंने कहा भाई साहब, वो बोले कि आप लोग इतना योग करते हो फिर भी बीमार होते हो। मैंने कहा भाई साहब ये हमारे हिसाब किताब है। तो बोले हिसाब किताब है तो योग से तो विकर्म विनाश होते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, फिर बाबा तो कहते हैं विकर्म विनाश होते हैं, तो अब हमें देखना है कि कौन से विकर्म विनाश होते हैं। क्या जो हमने विकर्म कर लिए हैं, जो हमारा कर्म बंधन बन गया है, क्या वो विनाश हो सकते हैं? एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस तो नहीं आएगा। कर्म हमने जो कर लिया उसका फल तो अवश्यंभावी है, वो तो होना ही होना है, मिलना है। तो अभी कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था और आज की मुरली में भी कहा कि कर्म बंधन कटते हैं। विकर्म कौन से विनाश होते हैं? जो हमारे समाए हुए विकर्म, समाए हुए पाप जो आत्मा में होते हैं, पहली बात तो वो विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते तुम मुझे सुना दोगे तो आधा माफ़ कर दूंगा। तो आधा माफ़ी कौन सी होती है? रियलाइजेशन होता है। कल बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा था कि कौन से पाप विनाश होते हैं, रियलाइजेशन होता है, बाबा के आगे बोला है तो फिर वो आगे और विकर्म बनने बंद हो जाते हैं, आगे विकर्म नहीं बनते हैं, अर्थात वो विकर्म विनाश हो गए। और दूसरी बात, जो हम विकर्म कर चुके हैं और उसका फल हमें मिलना ही मिलना है, तो वो कैसे समाप्त होते हैं? बाबा कहते हैं वो सूली से कांटा हो जाता है। तो सूली से कांटा कैसे होता है? अगर हमें कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ होनी है वो तो होगी ही होगी, क्योंकि वो हमारे कर्मों का असर है, उसका रिजल्ट है। मगर क्या होता है कि उसकी भोगना जो है, उसकी हमें जो फीलिंग है वो कम हो जाती है जब हम योग में रहते हैं।
मान लीजिए एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने एक चम्मच नमक डाल दिया। अब उस पानी को पिएंगे तो वो सॉल्टी है, नमकीन है, पिया नहीं जाएगा। उसमें हमने दो चम्मच चीनी डाल दी और थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया। अब उसका टेस्ट देखेंगे कैसा होगा, वो टेस्ट जो होगा हमें अच्छा लगेगा और सहज पी लेंगे, बल्कि खुशी खुशी लेंगे। इसी तरह से हमारे जो विकर्म होते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही भोगना है। यदि उसमें हमने योग की मिठास और ज्ञान का नींबू निचोड़ लिया तो वो हम सहज रीति से उससे पार हो जाएंगे, सहज रीति से उसको सहन भी कर लेंगे। और मन में, क्योंकि जो भी होता है सुख और दुख की अनुभूति मन से ही तो होती है ना, शारीरिक दर्द होते हुए भी जो अनुभूति है वो मन की होती है। जैसे बच्चों को फीवर होता है, बीमार है, जुकाम हो गया है, लेटा रहेगा, उसको अगर कोई खिलौना उसके मन पसंद का दे दिया जाता है तो कितना भी बीमार होगा वो खिलौने से खेलने लगता है। उसका कोई मनपसंद टीवी सीरियल आ रहा हो, बच्चों का कोई प्रोग्राम आ रहा हो और उसको टीवी के आगे बैठा दीजिए, क्या करेगा वो, नाक पोंछता जाएगा और बैठ करके वो टीवी देखेगा। तो उस समय क्या होगा कि उसकी जो फीलिंग है वो कम हो जाती है, तो जैसे कि शूली से कांटा हो जाता है। इसी तरह से जब हम बाबा की याद में जो विकर्म हमारे, जो हमारे सामने विघ्न आए हैं, शारीरिक आए हों, पारिवारिक आए हों, सामाजिक विघ्न आए हों, जो कि हमारे ही कर्मों का तो प्रभाव होता है ना, तो जब हम उससे बाबा की याद से जब हम उसको फेस करते हैं, और दूसरी चीज ज्ञान, ज्ञान क्या अप्लाई करते हैं, ड्रामा, जब बुद्धि में रहता है कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, वो पार्ट प्ले कर रहा है, या जब हमारी बुद्धि में ये रहता है कि हमारे ये पुराने कर्मों के आधार पर ही हमारे सामने ये घटनाएं आई हैं और हमारा अकाउंट जो है वो सेटल हो रहा है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है, तो जैसे कि वो विकर्म जो हैं शूली से काटा हो जाते हैं और हमारे विकर्म बहुत ही इजीली विनाश हो जाते हैं। ओम शांति।